हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में मिला एक और कोरोना मरीज। अब तक मिल चुके हैं 21 कोरोना संक्रमित। ईरान से लाए गए 31 भारतीय नागरिकों का भी चल रहा है जोधपुर में इलाज। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार रात 3 नए मरीज सामने आने के बाद सोमवार सुबह एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नागौरी गेट क्षेत्र में कोरोना के 7 मरीज सामने आने के बाद कराए जा रहे रैंडम सर्वे के दौरान इस व्यक्ति की जानकारी मिली। इस व्यक्ति में कोरोना से जुड़ा किसी प्रकार का लक्षण नहीं था, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जाँच की गयी और ये कोरोना संक्रमित पाया गया। इस तरह अब जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 हो चुकी है। इनमें से 5 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान से एयरलिफ्ट कर लाए गए 31 भारतीय नागरिक भी पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका इलाज यहीं पर किया जा रहा है। दरअसल इन दिनों नागौरी गेट क्षेत्र में लगातार मरीज मिलने के बाद घर घर सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान जानकारी मिली कि हाथीराम का ओड़ा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति 28 मार्च को मध्य प्रदेश से लौटा है। इस पर उसे MDM अस्पताल लाकर जांच की गई। आज सुबह आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके परिजनों को एम्बुलेंस भेज अस्पताल लाया गया। साथ ही पूरे क्षेत्र को सील कर घर घर जांच अभियान शुरू किया गया है। अब 21 कोरोना संक्रमित। जोधपुर शहर में अब तक 8 महिलाओं सहित कुल 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 तुर्की से और 3 इंग्लैंड से लौटे हैं, जबकि मुंबई से जोधपुर तक की ट्रेन यात्रा के दौरान तुर्की से लौटने वाले पति पत्नी के संपर्क में आने से एक युवती संक्रमित हो गई। वहीं बुधवार को मसूरी क्षेत्र का एक 65 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पाए गए थे। गुरुवार को 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई थी और शनिवार को एक साथ 7 नए पीड़ित मिल गए। रविवार को 3 और सोमवार सुबह एक नया मरीज सामने आया। वहीं जोधपुर व जैसलमेर में सेना के वेलनेस सेंटर में क्वारंटाइन कर रखे गए 3 और भारतीय नागरिक रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन्हें मिलाकर अब तक इनकी संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। पॉजिटिव पाए गए 3 भारतीय नागरिक जोधपुर के वेलनेस सेंटर में रहे थे। अब इन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जोधपुर जैसलमेर में रहने वाली सभी 136 भारतीय नागरिकों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। शहर में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हिमांशु व उसकी चाचा चाची के अलावा लंदन से लौटे 2 दोस्त मयंक और चंद्रभान भी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनके दोनों रिपोर्ट सैंपल नेगेटिव आए हैं। इन्हें शीघ्र ही अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया जाएगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।